हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है। बहुत आप कटहरे में क्यों खड़े हो गए? इधर तशरीफ रखें और नीचे दफा करें तशरीफ को। हार जीत होती रहती है, क्या हो गया? नहीं, हार जीत होती रहती, यही तो रोना रोने के लिए आया हूं जनाब। हार जीत ही होती रहती है, पता नहीं क्या वहां में, पता नहीं किस तरह के ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। मैच जीत जाए तो वाह 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 इस तरह शुरू हो जाते हैं, ऑटोग्राफें, तस्वीरें, सेल्फियां। एक मैच हार जाए गंदी गालियां देनी शुरू हो जाती, ऐसे हमारे साथ सलूक होता है जैसे हम इस मुल्क के हैं ही नहीं। हदोगे गंदी गालियां तो खैर किसी ने नहीं आपको। क्यों नहीं, क्यों नहीं जनाब? ए बंदा उन गाल कटेगा तो गंदी नहीं होएगी। ये शायकीन के रवैये में उतार चढ़ाओ इस तरह पूरी दुनिया में होता है। इस तरह का पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता उतार चढ़ाओ। ये तो बिल्कुल एक सेकंड में इनका पारा वो ऊपर जाता है, एक सेकंड में नीचे आ जाता है। हदोगे बाबा, हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज में तो ज्यादा कोप करते हैं खिलाड़ियों को हारने पर। जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह की मोहब्बत पाकिस्तानी प्लेयर अपने मुल्क से करते हैं ना, कोई भी नहीं करता। ये दूसरे टेस्ट में आप लोगों की मोहब्बत नजर आ गई है ना, जरा भी जान नहीं मारी, जरा भी जान नहीं मारी। वही वही ना, एक मैच यार मैं नहीं, खुदा यार बस बड़ी हो गई, मैं नहीं यार इंटरव्यू देता। पहले मैच का कोई जिक्र नहीं करना, दूसरे मैच की तरफ ही जाना है इन लोग। उधर परफॉर्मेंस नहीं देते, इधर तुम इंटरव्यू नहीं देते यार। यार इंटरव्यू खाक दे, उन्होंने खामियां अगर डिस्कस करनी है तो फिर क्या इंटरव्यू दे। बाबा बीबी को बताओ ना, मैंने तो आपको कटहरे में खड़ा ही नहीं किया, आप अपने शौक से खड़े हो गए आगे। इसीलिए आया हूं ना जी, इसीलिए कटहरे में आया हूं कि लोगों के सवालों का जवाब तो देना। जुनैद साहब देखें, पहला मैच हमने जीता है, कितनी शानदार हमने गेम दिखाई है, वेरी वेल डन। ये दूसरा जो मैच था आपने देखा, आप देखते रहे स्क्रीन के ऊपर, शॉट आते रहे उन लोगों के, इतना इतना बड़ा आदमी उनका स्टेडियम में बैठा हुआ था, वो ताया गैरिसो पर अच्छा सर का खिताब उसे मिला हुआ है जनाब। हमारे यहाँ तो सिर्फ स्कूल के मास्टर को ही सर कहते हैं। साथ वो गैरी सोपर की बीवी बैठी हुई थी, ऊपर से जिन खिलाड़ियों के साथ हमारा मुकाबला था वो सारे भाभी के देवर लगते। हम तो वैसे ही उसे भाभी कह रहे हैं ना, वो तो सच्ची मुच्ची के उसके देवर थे। अगर हम उनको फेंटी लगा देते या उनको हरा देते तो भाभी बेचारी क्या सोचते। आपको पता है भाभी देवर का क्या प्यार होता है, ऐवें नहीं गाने बड़े हुए, काला डोर या कुंडे नलड़े यो छोटा देवरा भाभी नलड़े यो, ऊपर से काला डोरिया और थे भी वो सारे ही काले। चलो ये भाभी देवरों को भी छोड़े, आपको पता है रिचर्ड भी बैठा हुआ था, वो भी सर है। हम साड़ी जो तो कोई सर नहीं होया, उन्होंने सर की भी ना इज्जत करेगी। तुम उत्थे खेलन गए हो कि रिश्तेदारियां निभा गए हो? यार तू तो ना लड़ साढ़े ना, तुहाडे मुंडे तो जीत गए ने, असी आ रहे हैं, असी आ रहे हैं सोने। खुदा का नाम लो, चलो हार गए मान, और हदफ भी क्या था 188, 81 पर पूरी टीम ढेर हो गई। जिन्हें ऐसा 81 थोड़े नहीं होते, आप हमें बातें करते हैं, ये टेस्ट कैप मुझे ऐसे ही नहीं मिली हुई। जनाब अली, मैं भी जानता हूं सारा कुछ, आपने वो विकेट देखी, आप अगर थोड़ा सा भी क्रिकेट को जानते हैं तो आप उस स्टेडियम की विकेट को जानते हैं। इतनी बुरी उसकी पिच है कि 3-4 ओवरों के बाद उस पिच की हालत ऐसी हो जाती है जैसे ऐसी हो जाती है। ईमान से किसी पिंड में संडे लड़ पड़े तो 4 मिनट बाद जो जमीन की हालत होती है वो पिच की हालत हो जाती है। उसी पिच के बारे में वेस्ट इंडीज के कोच ने कहा था कि ये पाकिस्तानियों के लिए आइडियल विकेट है। यही तो उसने शोखी की है जानबूझ के ये फिकरा कह के, ताकि पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तानियों को जीतना चाहिए, इन्होंने हारना तो है ही, सारे मुल्क से हमें उन्होंने बिस्ती करवाई। यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका ये दूसरा कम तरीन स्कोर था। जुनैद साहब, आज तक इस स्टेडियम के अंदर कभी कोई एशियन टीम नहीं जीती, अगर कोई भी नहीं जीती तो हम हमें लगते हैं जीती जाए वहां। क्या जवाब है हजूर? आपको नहीं मालूम, ये वेस्ट इंडीज वालों ने इस स्टेडियम के ऊपर जादू कराया हुआ है। और ये जहन में रखे, वो काले हैं, अगर वो सादा जादू भी कराएंगे तो वो काला जादू हो जाएगा। आपने देखा होगा उन्होंने स्टेडियम में अभी भी एक जादूगर बिठाया हुआ था, आप लोग उसे पागल समझ रहे थे, उस पर बार बार वो कैमरा भी मार रहे थे। यार बिल्कुल इस तरह का बंदा था वो,
वो जो कल ही बैठ के हवा में जिन्नों के साथ बातें कर रहा, वो जादू हो रहा था जुनैद साहब। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमारे खिलाड़ी सही सलामत उस स्टेडियम से निकल गए हैं, यही बड़ी बात है। ये दफा करे काशी स्कोर को, न्यूजीलैंड 26 पे भी आ रहा हुआ है, फिर क्या है? ये क्या बात है, ये कोई जिहाद है, ये कोई दलील है? आप लोग मतलब शैनन गैब्रियल एक मतलब क्लब लेवल का प्लेयर था, उसके सामने आप बिल्कुल बेबस हो गए हो यार। और जनाब ये जहन में रखा करें, किसी के घर खेलने के लिए गए हुए हैं, किस लिए उनसे दुश्मनी डाल ले? एक मैच हमने जीता था जिस दिन पहला, तो उसी वक्त उन्होंने हमें कान में कह दिया था कि यार एक बर्दाश्त हो गया, अगला ना जितना बचा। हमें दूसरा मैच भी जीत जाते वो हमारे दुश्मन हो जाते, चटके वाला गोश्त हमें खिला देते, हमें क्या पता चल रहा है राम सानू तो ले थोड़े खोते नहीं भूलन डे हूं, उसे जाके भी राम ही खाइए। भाई यार आपका ये बैट उस स्टेडियम में कालों के खिलाफ नहीं ना चला, तो अपने इस काले पे चला ले। जाने दो यार, खुदा के लिए को अक्कल को हाथ मारो, पहले बड़ी मुश्किल से उसको बेचारे को राजी करके लाया, वो तो मुझे इधर ला ही नहीं था रहा, कहता ना भाई मैंने क्रिकेटर नहीं पकड़ना, फिर मीडिया पे शोर मच जाता है। मैंने कहा यार मुझे एक दफा हसब-ए-हाल में लेके चलो, खुदा के लिए नहीं था मान रहा, फिर मैं 10-15 मिनट इसको देख के गाता रहा हूँ, वे सब तो सोने हाय वे मन मोड़े वे सब तो सोने। यकीन माने जुनैद साहब, इतनी मुझे शैनन गैब्रियल के साथ सामना करते हुए तकलीफ नहीं हुई जितनी ये गाना गाते हुए तकलीफ। अच्छा चले मेरी बात सुने, जो हो गया सो हो गया, हार गए। अब सिर्फ ये बताएं कि तीसरे टेस्ट में आप जीत के सीरीज जीत लेंगे इंशाल्लाह। जुनैद साहब आप फिक्र ना करें, वेस्ट इंडीज की बड़ी अच्छी टीम है जनाब। क्या मतलब वेस्ट इंडीज जीत जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम इंशाल्लाह जीत, जितनी मर्जी अच्छी टीम हो हमारी भी टीम कम नहीं, बस आप दुआ करें, आपकी दुआ में असर हुआ तो इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे हम। तो फिर आप यहीं रहे, हम दुआ करते रहते हैं। नहीं नहीं जुनैद साहब, साथ हिम्मत तो करनी पड़ती है, बस ये दुआ करें आपके वहां की पिच ठीक निकल आए। फाइन, जिस तरह तुम इतों अपना किट बैग नाल खड़ दे अपना अपना, ऐसे तरह एक पिच भी लपेट के लै जाया करो, शायद जीत के आओ। मैं तो कहना फिर तिने भरा तुम भी नाल चलो, विकटा का काम भी हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या जीत ही नेबर का मुंह है, तेनों लवे मौला लगते नहीं, मुंह लगे लगता मोड़े तो चिड़ी बैठी, बंदा लगते नहीं लगता किसी का मसल पुल हो जाए। क्या तेरा हारे टासर का मुंह है, तौबा गलत सिंगल लई होंगी, चीची तो गेंद वजा हों, मैच जित के पुटन वाली विकट होंगी। ये भी कहना काशियां की टीम आउट हुई होंगी। बहुत शो है तू, है बारिश ना पिच खराब हुई होंगी, रूलर फेर लो उते। देखिया जुनैद साहब किड्डे शोखे ने, तो बाद नहीं आना, नेपाल का वसीम अकरम हुंदा, मरे तू तिना कन्ना दे अणक लाई। क्या बात है, ताजी घड़ी पेंसिल हुंदी, बच्चियां दी स्कोर बुक हुंदी, आउट देने वाली उंगल हुंदी, दवाई पीने वाली चमची हुंदी। और किन्हां नूं छेड़ बैठा, माफी मंग ला, एक क्रिकेटर हुण एक्टर नूं ज्यादा जुगतां करदे ने। सारे क्रिकेटर्स तो रिटायर होने के बाद कॉमेडी शोज पे बैठ जाते हैं जाके, डसके तो अंग्रेज हों। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों पूरी तरह शिकस्त खाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बैट्समैन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है बहुत। आप कटहरे में क्यों खड़े हो गए, इधर तशरीफ रखें। पंडित जी दफा करें तशरीफ को, हार जीत होती रहती है, क्या हो गया? नहीं हार जीत होती रहती, यही तो रोना रोने के लिए आया हूं जनाब, हार जीत ही होती रहती है, पता नहीं क्या वहां में, पता नहीं किस तरह के ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। मैच जीत जाए तो वाह 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 इस तरह शुरू हो जाते हैं, ऑटोग्राफें, तस्वीरें, सेल्फियां, एक मैच हार जाए गंदी गालियां देनी शुरू हो जाती, ऐसे हमारे साथ सलूक होता है जैसे हम इस मुल्क के हैं ही नहीं। हद हो गई, गंदी गालियां तो खैर किसी ने नहीं आपको, क्यों नहीं, क्यों नहीं जनाब, ऐ बंदा उन गाल कटेगा तो गंदी नहीं होएगी। ये शायकीन के रवैये में उतार चढ़ाओ इस तरह पूरी दुनिया में होता है, इस तरह का पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता उतार चढ़ाओ, ये तो बिल्कुल एक सेकंड में इनका पारा वो ऊपर जाता है, एक सेकंड में नीचे आ जाता है। हद हो गई बाबा, हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज में तो जदोकोप करते हैं खिलाड़ियों को हारने पे। जुनैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं,
جس طرح کی محبت پاکستانی پلیئر اپنے ملک سے کرتے ہیں نا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ دوسرے ٹیسٹ میں آپ لوگوں کی محبت نظر آ گئی ہے نا, ذرا بھی جان نہیں ماری, ذرا بھی جان نہیں ماری. وہی وہی نا, ایک میچ یار میں نہیں, خدا یار بس بڑی ہو گئی, میں نہیں یار انٹرویو دیتا. پہلے میچ کا کوئی ذکر نہیں کرنا, دوسرے میچ کی طرف ہی جانا ہے ان لوگ. ادھر پرفارمنس نہیں دیتے, ادھر تم انٹرویو نہیں دیتے. یار یار انٹرویو کھانک دیں, انہوں نے خامیاں ہی اگر ڈسکس کرنی ہے تو پھر کیا انٹرویو دیں. بی بی کو بتاؤ نا, میں نے تو آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہی نہیں کیا, آپ اپنے شوق سے کھڑے ہو گئے آگے. اسی لیے آیا ہوں نا جی, اسی لیے کٹہرے میں آیا ہوں کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب تو دیں نا. جنید صاحب دیکھیں, پہلا میچ ہم نے جیتا ہے, کتنی شاندار ہم نے گیم دکھائی ہے. یہ دوسرا جو میچ تھا آپ نے دیکھا, آپ دیکھتے رہے ہیں اسکرین کے اوپر, شاٹ آتے رہے ہیں ان لوگوں کے, اتنا اتنا بڑا آدمی ان کا اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا تھا, وہ تایا گہری سو پر سر کا خطاب اسے ملا ہوا ہے. جناب صاحب ہمارے ہاں تو صرف سکول کے ماسٹر کو ہی سر کہتے ہیں, ساتھ وہ گہری سوپر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی, اوپر سے جن کھلاڑیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا وہ سارے بھابھی کے دیور لگتے. ہم تو ویسے ہی اسے بھابھی کہہ رہے ہیں نا, وہ تو سچی مچی کے اس کے دیور تھے. اگر ہم ان کو پھینٹی لگا دیتے یا ان کو ہرا دیتے تو بھابھی بیچاری کیا سوچتی. آپ کو پتا ہے بھابھی دیور کا کیا پیار ہوتا ہے, ایوے نہیں گانے بڑے ہوئے, کالا ڈور یا کنڈے نلڑے چھوٹا دیورا بھابھی نلڑے, اوپر سے کالا ڈوریا اور تھے بھی وہ سارے ہی کالے. چلو یہ بھابھی دیوروں کو بھی چھوڑے, آپ کو پتا ہے ریچرڈ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی سر رہا ہے. ہوں ساڈی چ تو کوئی سر نہیں ہوا, انہوں نے سرا کی بھی نہ عزت کری. تھی اتنے کھیلن گئے ہو کہ رشتے داریاں نبھا گئے ہو یار, تم تو نہ لڑ ساڈے نا, تے منڈے تو جیت گئے نے, اسی آ رہے ہیں, اسی آ رہے ہیں سونے. خدا کا نام لو, چلو ہار گئے مانو, اور ہدف بھی کیا تھا 188, 81 پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی. جنید صاحب 81 تھوڑے نہیں ہوتے, آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں, یہ ٹیسٹ کیپ مجھے ایسے ہی نہیں ملی ہوئی. جناب علی میں بھی جانتا ہوں سارا کچھ, آپ نے وہ وکٹ دیکھی, آپ اگر تھوڑا سا بھی کرکٹ کو جانتے ہیں تو آپ اس اسٹیڈیم کی وکٹ کو جانتے ہیں. اتنی بری اس کی پچ ہے کہ تین چار اووروں کے بعد اس پچ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایسی ہو جاتی ہے. ایمان سے کسی پنڈ میں سنڈے لڑ پڑے تو چار منٹ بعد جو زمین کی حالت ہوتی ہے وہ پچ کی حالت ہو جاتی ہے. اسی پچ کے بارے میں ویسٹ انڈیز کے کوچ نے کہا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے آئیڈیل وکٹ ہے. یہی تو اس نے شوخی کی ہے جان بوجھ کے, یہ فکرہ کہہ کے, تاکہ پہلے میں بتا دوں کہ پاکستانیوں کو جیتنا چاہیے, انہوں نے ہارنا تو ہے ہی, سارے ملک سے ہمیں انہوں نے بستی کروائی. ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ کا یہ دوسرا کم ترین سکور تھا. جنید صاحب آج تک اس اسٹیڈیم کے اندر کبھی کوئی ایشین ٹیم نہیں جیتی, اگر کوئی بھی نہیں جیتی تو ہم ہمیں لگتے ہیں جیتی جائے. کیا جواب ہے حضور, آپ کو نہیں معلوم یہ ویسٹ انڈیز والوں نے اس اسٹیڈیم کے اوپر جادو کرایا ہوا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں وہ کالے ہیں, اگر وہ سادہ جادو بھی کرائیں گے تو وہ کالا جادو ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اسٹیڈیم میں ابھی بھی ایک جادوگر بٹھایا ہوا تھا, آپ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے, اس پہ بار بار وہ کیمرہ بھی مار رہے تھے. یار بالکل اس طرح کا بندہ تھا وہ, جو کل ہی بیٹھ کے ہوا میں جنوں کے ساتھ باتیں کر رہا, وہ جادو ہو رہا تھا. جنید صاحب میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے کھلاڑی صحیح سلامت اسٹیڈیم سے نکل گئے ہیں, یہی بڑی بات ہے. یہ دفاع کرے کاسی سکور کو, نیوزی لینڈ 26 میں بھی آ رہا ہوا ہے, پھر کیا ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کوئی جہاد ہے, یہ کوئی دلیل ہے. آپ لوگ مطلب شینن گیبریل ایک مطلب کلب لیول کا پلیئر تھا, اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے. اور جناب یہ ذہن میں رکھا کریں, کسی کے گھر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کس لیے ان سے دشمنی ڈال لیں. ایک میچ ہم نے جیتا تھا جس دن پہلا, تو اسی وقت انہوں نے ہمیں کان میں کہہ دیا تھا کہ یار ایک برداشت ہو گیا, اگلا نہ جتنا بچا, ہمیں دوسرا میچ بھی جیت جاتے وہ ہمارے دشمن ہو جاتے, چٹکے والا گوشت ہمیں کھلا دیتے, ہمیں کیا پتا چلا تھا حال ہے. رام سانو تو لے تھوڑے کھوتے نہیں بھولن ڈے, ہوں اتنے جا کے بھی رام ہی کھائیے. بھائی جان آپ کا یہ بیٹ اس اسٹیڈیم میں کالوں کے خلاف نہیں نہ چلا, تو اپنے اس کالے پہ چلا لیں. جانے دو یار خدا کے لیے, کو عقل کو ہاتھ مارو, پہلے بڑی مشکل سے اس کو بیچارے کو راضی کر کے لایا, وہ تو مجھے ادھر لا ہی نہیں تھا رہا, کہتا نا بھائی میں نے کرکٹر نہیں پکڑنا, پھر میڈیا پہ شور مچ جاتا ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک دفعہ حسب حال میں لے کے چلو خدا کے لیے, نہیں تھا مان رہا. پھر میں 10-15 منٹ اس کو دیکھ کے گاتا رہا ہوں, وے سب تو سونے ہائے وے من موڑے, وے سب تو سونے. یقین مانے جنید صاحب اتنی مجھے شینن گیبریل کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی جتنی یہ گانا گاتے ہوئے تکلیف.
अच्छा चले मेरी बात सुने, जो हो गया सो हो गया, हार गए। अब सिर्फ ये बताएं कि तीसरे टेस्ट में आप जीत के सीरीज जीत लेंगे इंशाल्लाह। जुनैद साहब आप फिक्र ना करें, वेस्ट इंडीज की बड़ी अच्छी टीम है जनाब। क्या मतलब वेस्ट इंडीज जीत जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम इंशाल्लाह जीत, जितनी मर्जी अच्छी टीम हो हमारी भी टीम कम नहीं, बस आप दुआ करें, आपकी दुआओं में असर हुआ तो इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे हम। तो फिर आप यही रहे, हम दुआ करते रहते हैं। नहीं नहीं जुनैद साहब, साथ हिम्मत तो करनी पड़ती है, बस ये दुआ करें आपके वहां की पिच ठीक निकल आए। पाइन जिस तरह तुम इतो अपना किट बैग नाल खड़ दो अपना अपना, ऐसे तरह एक पिच भी लपेट के ले जाया करो, शायद जीत के आओ। मैं तो कहना फिर तिने भरा तुम भी नाल चलो, विकटा का काम भी हो जाए। सुबह अल्लाह क्या जी दी नेबर का मुंह है, तेन लवे मौला लगते नहीं, मुंह लगे लगता मोड़े तो चिड़ी बैठी बंदा लगते नहीं, लगता किसी का मसल पुल हो क्या, तेरा हारे टासर का मुंह है तो गलत सिंगल लई होंगी चीची तो गेंद वजा हों, मैच जित के पुटन वाली विकट होंगी। ये भी कहना काफिया की टीम आउट हुई होंगी। बहुत शोक है तू, बारिश ना पिच खराब हुई होंगी, रूलर फेर लो देखिया जुनैद साहब किड्डे शोखे ने। तू बाद नहीं आना, नेपाल का वसीम अकरम हों, मरे तू तिना कना दे अणक लाई, क्या बात है, ताजी घड़ी पेंसिल होंगी, बच्चिया की स्कोर बुक होंगी, आउट देने वाली उंगल होंगी, दवाई पीने वाली चमची होंगी। ओके इन्हों छेड़ बैठा, माफी मंग ला, एक क्रिकेटर हूं एक्टर ज्यादा जुगत करते हैं। सारे क्रिकेटर्स तो रिटायर होने के बाद कॉमेडी शोज में बैठ जाते हैं जाके, डसके तो अंग्रेज हों। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।